हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जेके क्लासेस। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। एंड आप जिस भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, आपका ये विश जो है, आपका जो सपना है टीचर बनने का, और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल के होते हैं, चाहे वो प्राइमरी के हो, चाहे वो जूनियर के हो, या फिर आप हायर के भी अगर टीचर बनते हो लाइक टीजीटी या फिर पीजीटी, तो आप उनको एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सके। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप में से कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि क्या कोई ऐसा एग्जाम है जिससे कि आपको 4 से 5 महीने के बाद आप उस एग्जाम को दे सकते हो। तो मैंने सोचा कि आज टीचर्स डे भी है और आप हर दिन पढ़ाई भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, आपका जो है मेहनत भी सफल होगा, साथ में आपका जो ड्रीम है टीचर बनने का वो तो जरूर पूरा होगा। सो आप सभी को जो है हैप्पी टीचर्स डे। एंड इसी डे पे मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड एक वीडियो भी आनी चाहिए, बिकॉज आज ही जो है सुबह में ही बिहार में जो बीपीएससी तैयारी 4 होना है, इसे इनका ऑफिशियली, क्योंकि जब भी इनका एग्जाम होने वाला होता है तो ये पहले ही अपना पोस्टर वगैरह जो है वो छपवा के, क्योंकि आपको पता ही है 2025 में वहां पर विधानसभा का चुनाव भी है बिहार में, तो उससे पहले बहुत बड़ी भर्ती तो होगी ही, तो इससे रिलेटेड एक इनका जो ऑफिशियली आया है वो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगी। एंड साथ में उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कुछ लोग नए भी होते हैं, पहली बार देने जाएंगे, और कुछ लोग इसमें कॉम्पिटिशन तो देखो अच्छा खासा होगा, क्योंकि TRE3 में पता नहीं था कुछ लोगों को, एंड वो उनका अटेम्प्ट ना खत्म हो जाए इस चक्कर से वो मेहनत तो कर रहे थे बट उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। अभी तो आप सभी को पता है अटेम्प्ट बढ़ चुका है, तो वो भी अप्लाई करेंगे। साथ में जिनका सिलेक्शन हो चुका है PRT में, वो 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप सभी का कंपटीशन तो अच्छा खासा होगा। तो इसी के लिए सबसे पहले आपको एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि एलिजिबिलिटी क्या है, साथ में जो डोमिसाइल से रिलेटेड जो वहां के शिक्षा मंत्री जी हैं सुनील कुमार सर, उन्होंने भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उससे रिलेटेड, एंड आपका जो सीटेट दिसंबर अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, बीएड, डीएलएड, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट सारी चीजें आपको यहां से पता चलती रहें। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि TRE3 एक इम्पॉर्टेंट था, कि अगर जितना जल्दी होता उतना जल्दी आपको TRE4 के बारे में चीज़ें पता चलती, बट अभी तक वो इतना डिले हो चुका है, अभी उसका रोस्टर क्लियरेंस भी होना बाकी है, जब तक वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी वो प्रोसीजर्स आगे नहीं बढ़ेगा। और आपको पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले ही BPSC के जो एग्जाम कंट्रोलर हैं, जब उनसे इंटरव्यू लिया गया एंड पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि इसमें हो सकता है थोड़ा डिले, बट हमारी कोशिश रहेगी कि हम 20 नवंबर या 25 नवंबर तक इसका विज्ञापन जारी कर दें, बट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आगे ही समझिएगा, क्योंकि उन्होंने बस इतना बोला कि 20 नवंबर तक हमारा तो है, बट अगर सब कुछ स्मूथली चलेगा तो कहीं ना कहीं TRE4 में थोड़ा डिले हो सकता है। और अगर इसके एग्जाम की बात करें तो आपको भी पता है कि अगर नवंबर में ही इनका विज्ञापन आता है 1 से 1.5 महीने फॉर्म, तो इस साल इसका एग्जाम होना उतना जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आपको इसका एग्जाम जो है 2025 में देखने को मिल सकती है। अब इसमें सीटेट वालों का तो फायदा होगा ही, साथ में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि बीएड डीएलएड के लास्ट सेमेस्टर में हैं, जिनका दिसंबर में कंप्लीट होगा, उनको भी इसमें फायदा होगा, तो वो सभी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना कि अगर आप PRT के 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं ना, तो आपका सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 ये पास होना चाहिए। जिसका पास हो चुका है वो तो ऑलरेडी प्रिपरेशन में लगा हुआ है, बट जो नए स्टूडेंट हैं आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने डीएलएड किया है तो आपको दोनों ही आप भर सकते हो, अभी हम बात करेंगे, बट यहाँ पर बता देती हूँ। और बाकी जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं बट उनका केवल सीटेट का पेपर 2 पास है, तो वो 6 to 8 में ही अप्लाई करेंगे, बीएड वैसे भी PRT में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हर दिन की प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिएगा, आपको साथ में सीटेट भी पढ़ना होगा, BPSC भी, क्योंकि आसपास ही दोनों एग्जाम्स हो जाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं इतना बोलना चाहूंगी कि इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ी भर्ती होगी, क्योंकि इसके बाद से आपको भी पता है कि भर्तियां, आप TRE3 का ही हाल देख लो कितना डिले हो चुका है। अच्छा, इसमें कितनी पोस्ट हो सकते हैं, तो इसमें PRT, TGT, PGT, हेडमास्टर, प्रधान शिक्षक सभी का लेकर 1,60,000। ठीक है, अब इसमें PRT को कितना मिलेगा, 6 to 8 को कितना मिलेगा, ये तो जब इनका एडवर्टीजमेंट आएगा तब, बट अच्छी खासी वैकेंसीज होगी। हो सकता है कि PRT में तो ज्यादा है, बट 6 to 8 में आपको पता है कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बीएड वाले भी अप्लाई करते हैं, डीएलएड वाले भी, फॉर्म की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें कितना होगा, 1,60,000, और अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज होगी। नवंबर में इसका एडवर्टीजमेंट बोला गया है, बट थोड़ा बहुत डिले हो ही सकता है, क्योंकि जब अभी TRE3 का प्रोसीजर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ है। दूसरी चीज कि क्या सीटेट दिसंबर वाले अप्लाई कर पाएंगे, तो जी हाँ, क्योंकि फॉर्म भरने के लास्ट डे तक आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, बीएड, डीएलएड, सीटेट, तो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, वैसे भी सीटेट दिसंबर में ही हो ही जाएगा, और उसके पास आपका रिजल्ट भी आपको पता ही है 20 दिन के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, बीएड और डीएलएड वाले भी अप्लाई कर लेंगे, बट आपका सेमेस्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए फॉर्म के लास्ट डे तक, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो है एग्जाम डेट मैंने आपको बताया ही है कि नवंबर में इनका एडवर्टीजमेंट आएगा, तो आपको जो भी एग्जाम्स होंगे वो 2025 में ही देखने को मिलेगा। दूसरी चीज की इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी पे बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए PRT में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो इसमें ग्रेजुएशन नहीं मांगते हैं, आपने 12th+ DLED, और मान लो अगर आपका ग्रेजुएशन भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ट्वेल्थ प्लस डीएलएड प्लस सीटेट का पेपर वन आपका पास होना चाहिए। इसमें भी ट्विस्ट है, मतलब कि जो बिहार से होंगे उनका सीटेट में उनको आरक्षण मिलता है, जैसे कि जो जनरल महिला होंगी वो 82 पे भी पास है, एससी एसटी 75, बाकी मेल के लिए तो 90 ही चाहिए। अदर स्टेट के जितने भी होंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, मेल हैं फीमेल हैं, उनको 90 ही चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखना कि 90 नंबर लेकर आना है, क्योंकि TRE1 TRE2 में जिनके नंबर कम थे वो सेलेक्ट हो गए थे, अब उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो ये हो गया। तो PRT की एलिजिबिलिटी 12th प्लस डीएलएड प्लस सीटेट का पेपर वन, अगर आपका पास है आप आराम से इसमें अप्लाई कर लोगे, बीएड वाले इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। दूसरा है 6 to 8 के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका बीएड या फिर डीएलएड कोई भी एक आपका चलेगा, कंप्लीट होना चाहिए। साथ में सीटेट का पेपर टू, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर इसमें देखिए 6 to 8 के, अभी मैं आपको एग्जाम पैटर्न की बात बताऊंगी, बट यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन में आर्ट्स आपका होगा तो आपने सोशल साइंस इसे पास किया होगा, ठीक है, आपका मान लीजिए मैथ साइंस होगा तो आपने कोई भी साइंस बैकग्राउंड से कोई भी होगा तो आपने पेपर टू में मैथ साइंस से पास किया होगा। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि आर्ट मैथ साइंस मतलब साइंस बैकग्राउंड से हैं, बट उन्होंने सोशल साइंस पास कर लिया है, तो दिक्कत तो नहीं होती, बट डीवी में आपको बाहर किया जा सकता है। तो इस चीज़ का इसीलिए फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखना, अगर आप साइंस से हैं तो आपको मैथ साइंस ही लेना है सीटेट में, अगर आप सोशल मतलब कॉमर्स बीए आपने किया है, आपने बीकॉम किया है, कोई भी आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए होंगे तो आपको सोशल साइंस पढ़ना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार डीवी में कुछ लोग बाहर निकले हैं इस वजह से, सीटेट की वजह से। अब यहीं पर बोलना चाहूंगी, सोशल साइंस की तो तैयारी हम खुद ही कराते हैं चैनल पे, आज तो नहीं होगी, आज आपका शिक्षक दिवस है, कल से डेली होगा 6 बजे, कल भी नहीं हो पाया था कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, बट हाँ आप इसके नोट्स मेरे ले सकते हो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। एक बार आप सीटेट सोशल साइंस का नोट्स मेरा वाला पढ़ कर देखना, आपका जरूर पास होगा, ठीक है। तो ये आपका 6 to 8 का हो गया एलिजिबिलिटी। टीजीटी की बात कर लेते हैं, वैसे टीजीटी के लिए तो आपका एसटेट का पेपर वन चाहिए होता है जो कि बिहार में ही कंडक्ट होता है, तो अगर आप टीजीटी मतलब बनना चाहते हो 9 से 10 के टीचर, तो आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एसटेट का पेपर वन, ठीक है, टीजीटी में वही आपका पीजी होना चाहिए और आपका एसटेट का पेपर टू, तो ये दोनों पास होगा तो आप 9 से 10 11 से 12 के टीचर बन जाएंगे। एलिजिबिलिटी हो गई, अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। अच्छा, एग्जाम पैटर्न को मैंने बहुत डिटेल में वीडियो एक बनाया है कुछ दिन पहले ही, बट मैं बोलना चाहूंगी कि आप लास्ट में उस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। वैसे इसका एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देना चाहूंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पीआरटी में आपको केवल जीएस पढ़ना होता है, साथ में आपका एक लैंग्वेज वाला पोर्शन आता है जो कि आपको पास करना होता है, बस क्वालिफाई करना होता है। सेम उसी तरीके से 6 to 8 में भी आपका लैंग्वेज एक ही पेपर होगा, बट दोनों एक में होता है, जैसे कि लैंग्वेज एंड आपका इसमें जीएस 40 नंबर का आता है और 80 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट होता है उससे क्वेश्चन पूछता है। सेम उसी तरीके से टीजीटी में भी, मतलब अगर आप जो 6 to 8 से देखेंगे ना तो उसके वजह से आपका जो विषय होता है ग्रेजुएशन वाला वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, ठीक है। बट जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, बट पीआरटी में आपका पूरा जीएस ही रहता है, पूरा आपको जीएस पढ़ना है और इन सभी में भी आपको लैंग्वेज पढ़ना होता है। अगर आप एक एक पॉइंट देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने बस एग्जाम पैटर्न ही पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो यहाँ बताकर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। अब डोमिसाइल की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि स्टार्टिंग से ही ये डिमांड है कि डोमिसाइल होना चाहिए, क्योंकि बिहार से बाहर के स्टूडेंट्स ज़्यादा सेलेक्ट हो जा रहे हैं, तो इस पे जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, उनका एक जो है, मैं यहाँ पर इस पेपर की कटिंग लगा दूंगी, उसमें उन्होंने बोला है कि डोमिसाइल जैसा जो चीज़ें चलती आ रही हैं वैसा ही होगा, इट मीन्स कि अदर स्टेट वाले भी शामिल हैं, तो कोई ऐसा नहीं होने जा रहा है कि केवल वहीं के स्टूडेंट शामिल होंगे, सभी को मौका मिलेगा, उन्होंने क्लियर बोल दिया है, तो अब इसमें कुछ बचा ही नहीं जब उन्होंने ही बोल दिया है। दूसरी चीज़ की, हाँ, अदर स्टेट वाले शामिल होंगे, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप किसी भी राज्य से हैं, बस अपना सीटेट का नंबर ध्यान रखना भाई, क्योंकि पास हो जाते हैं लोग, फिर एक सीट भी खराब होती है, फिर बाद में उनको बाहर निकाला जाता है। तो सीटेट का मार्क्स ध्यान रखिएगा, 90 नंबर से कम वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, और जिसका सीटेट जुलाई में 90 से कम आया है, आप अदर स्टेट के हैं तो सीटेट दिसंबर का फॉर्म भर के पास हो जाओ, ताकि इसमें आपको मौका मिले बीपीएससी तैयारी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, बाकी इसके अलावा जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड मैं तो बस इतना बोलना चाहूँगी कि आगे आने वाले 4 से 5 महीने में अगर कोई एग्ज़ाम है जो कि आपको शिक्षक जल्दी से जल्दी बना सकता है, तो वो बीपीएससी ही है, बिहार में ही है, क्योंकि बाकी के स्टेट का हाल जानते ही हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती है और आती भी है तो इतनी कम आती हैं कि उसमें हो ही नहीं पाता है ज़्यादातर लोगों का, ठीक है। तो ये एक बम्पर भर्ती है, क्योंकि इलेक्शन है वहाँ पर, इलेक्शन से पहले ही होगा ये एग्ज़ाम, ठीक है। तो चलिए, अभी आपके पास समय भी है तो आप कर सकते हो कि आप 2 घंटे सीटेट का पढ़ लो, 2 घंटे अभी बीपीएससी का पढ़ लो, जिनका दिसंबर वाला भी होगा, इससे आपको एक अच्छा खासा टाइम भी मिल जाएगा जब एग्जाम की डेट अनाउंस होगी तो, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।